Hi guys, this is Bilal Ashraf, and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page, and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures, and much more. मेरे नसीब में तो बस उतर नहीं रहे। यूँ नाराज ना हुआ करो बेटा, उतरने कैसे? वो है तो नहीं है, बहन है तुम्हारी। बहन? कभी समझे मुझे उन्होंने बहन? ना रीशा आपी ने और ना ही बिस्मा आपी। लेकिन तो तुम वाकई हो कि तुम्हें हाशिर की मोहब्बत नहीं है, और ना हाशिर किसी पे फिदा होने वाला नहीं है। अच्छा जी, जानती हूँ। आप मशीन को रख ले, घर काम काज करा लेगी, और आपा जी को बैठ चाचा, और यूं महीने का दर्द सर खत्म। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। वो मेरी माँ है, कोई चोर डाकू नहीं है। आज तक कुछ नहीं मांगा मेरी माँ ने मुझसे। मांगने की क्या जरूरत, वैसे जो तुम उनके इशारों पर नाचते रहते हो हर वक्त। वो जो आपा जी को 10,000 महीने का देते हैं, वो भी तो हाशिर की जेब से जाता है ना। मतलब? नहीं, वो मैं कह रही थी कि अगर मशल को हम अपने पास ले आए और आपा जी को उबैद ले जाए तो खर्चा बच सकता है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ, फसीहा को पता चल गया अगर, कैसा तूफान खड़ा कर देगी वो। इसीलिए तो आप लोगों का खर्चा निकाल कर उनको तनख्वाह बताइए, वरना आप तो जानती हो एक एक पाई का हिसाब रखती है वो तो। शुक्र है भाभी, आपका मूड तो ठीक हुआ। उस दिन तो बहुत खफा होकर गई थी आप। बात ही ऐसी थी कि मूड ठीक करना पड़ा। और शमा, ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। क्या मतलब? देखो शम्मा, हम हर महीने आपा जी को 10,000 देते हैं, ये किस खाते में जाता है? हमारे बेटों की कमाई कोई फजूल थोड़ी है जो ये दादी पोती उड़ा ले। तो क्या करूं, मुझे तो खुद इतनी तकलीफ होती है, लेकिन इस उबैद को कौन समझाए? अरे तुम समझाओ। ऐसा करो कि आपा जी को तुम रख लो, मिशल को मैं रख लेती हूँ। दो वक्त की रोटी की बात है ना, जो पकेगा वो भी खा लेंगी, और इससे जो खर्चा बचेगा ना, उसे हम लाखों की कमेटी डाल सकते हैं। अरे वो निगत है ना, उसने 10,000 के पीछे 2,00,000 की कमेटी डाली है। ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने। बल्कि ऐसा करते, उनका घर किराए पे दे देते, जो किराया आएगा ना उसमें उन दोनों का खर्चा भी निकल आएगा, नहीं? अरे वाह शम्मा, ये तो तुमने और भी अच्छी बात की। बस अब तुम उबैद से बात करो। रहने दो उबैद को, कुछ नहीं करना उसने, सब कुछ मैं और आप करेंगे। करते हैं, अभी चलते हैं आपा जी की तरफ। नहीं नहीं, मैं आपा जी की तरफ नहीं जाऊंगी, उन्हें तो ना मुझे देख के मिर्ची ही लग जाती है। देखो ये काम तुम करोगी, तुम पढ़ी लिखी हो, तरीके से बात करोगी ना, करो ना बात। ये तो है, चलो मैं ही करती हूँ कुछ, कल सुबह जाऊंगी। चाय तो नहीं पियोगी? नहीं नहीं, रहने दो, बैठो तुम। अरिशा जी, एक बात पूछूं? आजकल कुछ ज्यादा ही तुम्हारी रंगत निखरी हुई है। कौन सी क्रीम इस्तेमाल कर रही हो? है नहीं बिस्मा आपी, कोई क्रीम नहीं लगा रही हूँ, ये रंगत तो बचपन से ही बहुत साफ है। मैं तो जैसे तुम्हें बचपन से देख नहीं रही, अच्छी खासी काली स्याह रंगत थी तुम्हारी। वैसे मुझे एक बात समझ भी नहीं आती, लोग इतनी जल्दी भूल कैसे जाते अपनी हकीकत है। वैसे विस्मा आपकी, मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखी थी, आज आपकी बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, लेकिन मेरी बर्थडे को अभी एक हफ्ता बाकी है, तुमने शायद गिफ्ट्स की पिक्चर्स देखी होंगी। गिफ्ट्स की पिक्चर देखी थी। वाओ, आपके फ्रेंड्स कितने अच्छे हैं ना, एक हफ्ता पहले ही गिफ्ट भिजवा दिए। वो तो है, मुझसे इतना प्यार जो करते हैं। वाकई में ऐसे ही लग रहा है। वैसे ये सब कुछ ना इंसान के अपने अखलाक पे डिपेंड करता है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और बुरे लोगों के साथ बुरा। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ऐसे को खास एक्सपीरियंसेस होंगे। नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने कभी फेसबुक वगैरह पे इतनी तुम्हारी पोस्ट वगैरह नहीं देखी, इसलिए मुझे ऐसा लगा। वो क्या है ना विस्मा आपकी, मुझे ये छिछोरी हरकतें पसंद ही नहीं। मुझे छिछोरा कह रही हो तुम? नहीं 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 विस्मा आपकी, मेरा मतलब था कि मैं क्या
क्या मतलब था? अनीशा, तुम्हारा मतलब किसी और को समझ में आए या ना आए, एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आता है। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी जिंदगी में ये जगह जगह जाके फजूल बातें करने के अलावा कोई काम है कि नहीं है? चलो, वक्त पूरा हो गया तुम्हारा, वो है दरवाजा, भागो यहां से। शाबाश। अब तो नहीं यहां पर आएगी, एटलीस्ट एक हफ्ता। ओफो मशल, तुम्हारा तो पेपर खत्म होने को नहीं आ रहा था, क्या लिख रही थी? वही जो तुमने नहीं लिखा। भाई मैं तो पासिंग मार्क्स लेने के लिए पेपर करती हूँ, ए और ए प्लस तो मैंने लेना ही नहीं, तो फजूल में पेजेस लिख के अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ? तुम भी हद ही करती हो वैसे रमशा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम ना पेपर सिर्फ सर से उतारने के लिए देती हो, अगर तुम पेपर दे ही रही हो तो अच्छा सा पढ़ कर दे दो यार। क्यों, क्या मैं पागल हूँ जो पढ़ाई में अपना दिमाग खपाऊं? हाँ हाँ, तुम्हें उसामा का और उसामा ने तुम्हारा दिमाग जो खाना होता। अरे यार, मुझे जितना मर्जी मेरा दिमाग खा ले, उसको सब माफ है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? अल्लाह का शुक्र है यार, बहुत अच्छा हो गया। चलो अल्लाह तुम्हें पास करे और मेरे अच्छे नंबर भी तुम्हें दे दे। हाँ हाँ, क्या? हाँ ना भाई, तुम्हें तो अच्छे नंबरों की जरूरत है ना, मुझे तो नहीं, इसलिए जिसको जो चाहिए अल्लाह उसे वो दे दे। बस यार, एक बार अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं उसके बाद मैंने जॉब भी करूँ। क्या मतलब, अब तुम जॉब भी करोगी? हाँ रमशा, जॉब करना मेरे लिए बहुत जरूरी है यार, मैं इस तरह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। पता है बहुत बुरा लगता है जब किसी के टुकड़ों पर पलना पड़ता है। अल्लाह किसी को किसी का मोहताज ना करे। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा इमोशनल ना हो, चलो उठो चाट खाते। चलो, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? सो, तुम जितना अच्छा नहीं। हाँ, मुझ जैसा अच्छा तुम कर भी नहीं सकते। अरे शम्मा, अस्सलाम वालेकुम आपा जी। वालेकुम सलाम, जीती रहो। आओ। आओ बैठो। जी मैं भी आती हूँ। अच्छी जी, आपा जी घर तो बहुत साफ सुथरा और चमकदार लग रहा है आज। अरे हाँ बेटा, बस मशली खूब चमका के रखती है आजकल, वैसे भी जरा उसके पेपर्स वगैरह हो रहे हैं तो मसरूफ है थोड़ी। जी 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 आपा जी, मैं कह रही थी कि अगर ये घर किराए पर दे दें तो अच्छा खासा 18-20 हज़ार किराया मिल जाएगा। नहीं ना, तो मैं क्यों दूँ ये घर किराए पर, फिर मैं और मिशेल कहाँ जाएंगे? लो ये क्या बात हुई, आप मेरे पास रहेंगी, आपका अपना घर है, और मिशेल का क्या है, फसिया भाभी ले जाएंगी उसे। समझी मैं, ये तुम्हारा ही मशवरा है या फसिया का भी यही ख्याल है? फसिया भाभी का भी यही ख्याल है। तजवीज है, गौर करूंगी इस पे। है ना आपा जी, मुझे पता था आपको मेरी बात बहुत पसंद आएगी। अब देखे ना, दूसरों से लेने की मोहताजी भी खत्म हो जाएगी, अपना किराया, अपना घर, अपना खर्चा, ना फिक्र ना फाका। नहीं चढ़ी, खुदा जाने किस बात पे करती है, खाम खाम में मेरी इतनी बेइज्जती करती। एक बार मेरी अरमान से शादी हो जाए तुमसे तो मैं गिन गिन के बतली लूंगी। चुड़ैल भूतनी कहेगी। अरीशा, शम्मा का फोन आया था,
उसने आपा जी से बात की है और आपा जी मान गई हैं। वाकई? अरे बहुत मुबारक हो आपको, आपको तो महीने के 10,000 की बचत होगी। वैसे तुम्हारा दिमाग ना बड़ा काम करता है, ये मशवरा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? अम्मी आपने मुझसे पहले मशवरा मांगा ही कब था? ठीक है भाई, अब तो मैं तुमसे ही मशवरा लूंगी, और ये जो 10,000 बचेंगे ना, इसकी कमेटी डाल के तुम्हारी शादी के लिए सोने का सेट बनवाऊंगी। मशाल, पेपर कैसा हुआ? अच्छा हो गया। हाँ भाई, इतना पढ़ती जो, तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं होगा तो क्या मेरा होगा? तो तुम भी पढ़ लिया करो, किसने रोका? पढ़ाई और मैं, अरे क्या करूँ, दिल नहीं लगता। और कामों में दिल लगाओ तो पढ़ाई कहाँ होती है? तो मेरे हिस्से का भी तू भी पढ़ लिया करो ना। आई पढ़ी पढ़ा नसीहत कर ली मुझे। हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैंने अब्बास को भी फोन कर दिया, तुम्हें भी कर रही हूँ, बस एक जरूरी बात करनी है तुम लोगों से, मगरिब के बाद आ जाना तुम। खुदा बच्चा। आपा जी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा पेपर इतना अच्छा हुआ है। कैसे अच्छा नहीं होता मेरी जान, पढ़ती तो रही हो इतना, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे बेटा। आपा जी क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, परेशान लग रही है मुझे। नहीं नहीं मैं कोई परेशान होकर नहीं हूँ, चलो जाओ यूनिफॉर्म बदल लो जल्दी से, मैं खाना गरम करती हूँ, फिर तुम साथ बैठ कर खाएंगे। ठीक, मैं अभी आई, आप जल्दी से गरम करें, मुझे बहुत भूख लगी है। करती हूँ। ये लो बेटा, आज से तुम लोगों का तावान खत्म हुआ। पापा जी ये आप क्या कह रही हैं? हम दोनों ने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। जानती हूं, मगर तुम्हारी बीवियों के लिए तो ये तावान ही है ना, बोझ। हर महीने उन्हें अपने घर के खर्चे में से निकाल कर पैसे हमें देने पड़ते हैं। नहीं आपा, ये रखिए पापा जी, किसी ने कुछ कह दिया आपसे? नहीं, मगर मैं तुम्हारी बीवियों के सामने ये बात कहना चाहती हूँ, अब से मुझे तुम दोनों से कुछ नहीं चाहिए। पता है तुम आजम और उबैद बहुत छोटे थे जब तुम्हारे अब्बू जी वफात पा गए थे, तब चलाई थी मैंने मशीन, मगर अल्लाह का शुक्र है अभी मेरे हाथों में इतना दम है कि मैं मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला सकती हूँ। नहीं आपा जी नहीं, आप इस उम्र में कपड़ों की सिलाई करके गुजारा करेंगी, वो भी हमारे होते हुए? नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। उबैद, जब तुम्हारी नौकरी लगी थी ना, तब तुमने मेरी मशीन छुड़वाई थी, शेरों खून बढ़ गया था मेरा, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी मर्जी से मशीन चलाऊंगी। पापा जी
आप खुल के क्यों नहीं बताती? इनमें से किसी ने आपसे कुछ कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे, मगर मैंने तुम्हारी बीवियों को इसीलिए बुलाया है कि सामने बात करूं। ये ना हो कि कल को ये कह दे कि मां ने पट्टी पढ़ाई है। बेटा, मां बाप को बुढ़ापा कमजोर नहीं करता, औलाद का रवैया कमजोर कर देता है, मगर तुम्हारी मां एक खुददार और मजबूत औरत है। जी आप है। आपकी इज्जत नफ्स और खुददारी को हम अच्छी तरह जानते हैं। हाँ बेटा, मुझे अपने रब पर तवक्कल और भरोसा तुम सबसे ज्यादा है। उसी के अमृत कुन ने हमें पैदा किया है और उसी का अमृत कुन है जिसने हमें जिंदा रखा हुआ है, और अपने रब पर इसी भरोसे को सामने रखकर मैंने एक अहम फैसला किया है। फैसला? कैसा फैसला आपा जी? अपने और मिशेल के अखराजात के लिए मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ये मकान बेच रही हूं। अब्बा जी, आजम ने कितनी मेहनत करके लंदन में आपके लिए घर बनवाया था और आप? हाँ बेटा, लेकिन मोहब्बत पर जब जरूरत गालिब आ जाती है ना, तो वो मजबूरी बन जाती है। लेकिन हम आपको ये नहीं करने देंगे। तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, मैं तुम लोगों को किसी परेशानी में डालना नहीं चाहती बेटा, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये मकान बेचकर एक छोटा सा दो मंजिला मकान ले लूंगी। ऊपर वाले पोर्शन को किराए पर दूंगी, नीचे वाले में मैं और मिशेल आराम से रह सकते हैं और किराए से हमारी खर्ची भी पूरी हो जाएगी। शमा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने घर को किराए पर देने की बहुत अच्छी राय दी मुझे। घटिया औरत, तुमने ये सब कहा है मेरी माँ से? चलो घर, मैं पूछता हूँ तुमसे, चलो घर। तुम्हें नहीं क्या हरकत है ये बेटा, आराम से बात करो। आज मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा, चलो। अरे, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये चिंगारी मत भड़काना, ये आग तुम्हारी लगाई हुई है, चलो तुम भी। हाँ है, मैंने ऐसा क्या कह दिया? आपा जी ने तो बात का पतंगड़ ही बना दिया। बस अब एक लफ्ज और नहीं कहना मेरी माँ के खिलाफ, चलो। रुक जाओ, ये पैसे भी लेते भी जाओ, इन्हीं की वजह से तुम लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है ना। पापा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? चुप रहो बस, और याद रखो फसीहा, पैसों से ना कभी रिश्तों को खरीदा जा सकता है और ना मोहब्बतों को। खुदा करे तुम्हें भी कभी इसका जिंदगी में एहसास हो जाए। इन खुदगर्ज और लालची लोगों में एहसास ही तो नहीं आपा जी। हाँ हाँ, सब अच्छे, एक मैं ही बुरी हूँ। चलो चलो। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, जाओ। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये क्या कर रहे हैं आप? अबू, आप हमारी अम्मी पे इस तरह हाथ नहीं उठा सकते। इसी तरह मुझे भी तकलीफ हुई थी जब इसने मेरे सामने मेरी माँ का दिल दुखाया। एक बात की थी मैंने, राई का पहाड़ बना लिया उसने, फितना। मेरी माँ कोई मामूली औरत नहीं है शमा, जिस पे तुम जैसी मामूली औरतें उंगलियां उठाए, समझी तुम? अम्मी, आखिर हुआ क्या? अम्मी, किसने फसाद डाले? अरे फसाद इसने और फसीहा भाभी ने डाला है। अगर हम दोनों भाई चंद हजार अपनी माँ को दे देते हैं तो इन्हें क्यों तकलीफ होती है?
जिस माँ ने सारी जिंदगी मेहनत करके हमें पाल पोसकर इस काबिल किया, क्या हम उससे हिसाब किताब करेंगे? उससे? ये सब तुम्हारे खानदान में होता होगा। खबरदार, खबरदार मेरे खानदान के बारे में कुछ कहा तो। लगई ना खानदान का सुन के, लगई? मुझे भी ऐसे ही लगी। अगर अब तुमने मेरे और मेरी मां के मामलात में दखलंदाजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने आज तक इस कदर गुस्से में नहीं देखा अबू को। ठीक है, लड़ाई छोटी मोटी हो जाती है, पर हाथ उठाने की नौबत? सत्यानाश हो उस फसिया का, ये चिंगारी उसी ने फेंकी है, सारा फितना उसका है, उसी ने ये शोशा छोड़ा है। अम्मी, आपको किसने कहा था कि ताई की बातों में आए? आपको पता नहीं है वो कितनी फसादी है? और नहीं तो क्या, पंगा उनका होता है और नाम हम पर आ जाता है एंड पर। हो गया तुम्हारा, एक काम करो जाके फेसबुक पे लगा दो, ठीक है? तुमसे बात की है मेरी? ओवर। बस करो, बकवास बंद करो, तुम दोनों मरो जाके कहीं। पहले मेरा दिमाग खराब कर दिया तुम्हारे बाप। अच्छा रोए तो नहीं ना? चलो अच्छा हुआ तुम टाइम पे लाई, बहुत भूख लग रही थी। अम्मी अबू कहाँ हैं? वो आपा जी ने बुलाया। आपा जी ने? क्यों? पता नहीं। ठंड पड़ गई थोड़ी दी औरत, कितना मना किया था कि ये बात नहीं करनी, पर तुम्हें चैन कहाँ है? कैसी आग लगा के है वहाँ पे? आग मेरी बात पे नहीं, शम्मा की बात पे लगी है। अरे मैंने तो उसे घर का कहा ही नहीं था, ये शोशा तो उसने अपने पास से छोड़ा है। क्या हुआ, क्यों झगड़े हैं आप लोग? पूछो अपनी माँ से, कल से फसाद खड़ा किया हुआ था कि मशल और आपा जी को मैं और उबैद अपने घर ले आए ताकि महीने का 10,000 रुपया बच सके, और सोने पे सुहागा शमा ने आपा जी को घर किराए पे देने की राय भी दे दी। अम्मी क्यों कहा आपने सब कुछ? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया कि सबको मिर्चे लग गई? अम्मी हम पहले ही आपा जी को क्या दे रहे हैं और आप? 10,000 महीने के कम नहीं होते। और वो पैसे उन्होंने इनके मुंह पे दे मारे, और साथ ये भी कह दिया कि वो आइंदा हमसे खर्चा नहीं लेंगी। बढ़िया ही हातम ताई, अरे हमसे नहीं लेंगी तो और किससे लेंगी? फसीहा तुम मेरी माँ को नहीं जानती हो, बहुत खुददार औरत है वो। जानती हूँ अच्छी तरह से, बड़ी खुददार है। अम्मी कुछ तो खुदा का खौफ करें, आप माँ हैं आप भी, आपको अच्छा लगेगा कि मेरी कमाई पे कोई और अपना हक जताए? अरे कोई हक जिता के तो देखे, गोली ना मार दूं उसे, हम बहुत दे चुके आपा जी को, अब कौन सा हक बाकी है? अरे मरते दम तक वो हक ही जिताती रहेंगी। हाँ देख लिया, जरा भी ख्याल नहीं है इसे, न जाने किसने पट्टी पढ़ाई है इसे। अबू खाना? नहीं खाना मुझे। पापा जी मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, आपने सारे पैसे दे दिए, हाशिर भाई वाले पैसों से वैन का किराया चला जाता था और समिया खाला का उधार भी चुका दिया आपने, पूरे महीने खर्चा कैसे चलेगा? अल्लाह मालिक है बेटा। पापा जी अल्लाह तो मालिक है ही, मगर सामने भी तो कुछ दिखाई दे ना। तुम फिक्र ना करो मेरी जान। मैं कैसे फिक्र ना करूं पापा जी, अगर अभी घर में दूध होता तो मैं आपको चाय बना कर देती, ना घर में दूध है ना सर दर्द की गोली, क्या दूं मैं आपको? और अगर चाय और गोली से भी दर्द ठीक ना हुआ तो? क्यों ठीक नहीं होगा, मेरा तो हमेशा उसी से ठीक होता है। पगली,
तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं शायद। जी जी आशर भाई। तो यहाँ गली में खड़े क्या कर रहे हो? कर जा। बस जा ही रहा था। जा ही रहा था नहीं, फौरन जा। चलो जाइए भाई, अभी जाए। चलिए ये ले। वैसे अम्मी अबू ने तो नहीं खाना खाया, तो फिर मैं क्या करूं? अल्लाह जाने बुढ़िया ने क्या घोल के पिला दिया बेटू को, एक बात नहीं बर्दाश्त करते उसके खिलाफ। वैसे आप भी जरा उनसे कुछ गुर सीख लें। रहने दे, मुझसे नहीं होती ये पुछ और लेपा पोतियां। गजब खुदा का, अरे बुढ़े कूसट बेटू को ऐसे चूमती है जैसे दूध पीते बच्चे हो। ड्रामेबाज ना हो तो। अम्मी गेट खोलें। खोल। अरे यार जल्दी गेट खोलो ना। सबर नहीं हो रहा। मरो। हमें बता रहा हूं, अगर हाशिर ने मुझे अब कुछ कहा ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। आय हाय, अब तुझे क्या मुसीबत पड़ गई? नानी खुद को समझता क्या, अपने आप को सबका बड़ा समझता है। तमीज है कि नहीं ये बात करने की? बड़ा है वो तुमसे। तुम्हें छोटे बड़े की कब से तमीज होने लगी? हर वक्त ना मेरे साथ बकवास ना क्या करो। दफा हो जाओ, मरो तुम दोनों। हर वक्त लड़ना शुरू हो जाते हो, फूटा मुंह से क्या हुआ है? अभी मैं दोस्तों के साथ खड़ा था, उनके पास आके कहता है कि इन आवारा दोस्तों के साथ मत खड़ा होना। मेरी बेइज्जती करके क्या उनके सामने? अच्छा चल मिला उसका नंबर, ऐसी खबर लूंगी याद रखेगा। पहले मां आग लगा कर चली गई और अब बेटा शुरू हो गया। अम्मा आपने क्या एक सबर कर जाओ, तुम भी फौरन जल्दी पड़ी होती है। आपने क्या एक और झगड़ा शुरू करना है? अभी अब्बू नाराज हो गए, मुझे लगता है आप दोनों ने उनके हाथों ने इस घर से निकलना है। सबर कर जा। हाँ कह तो ये ठीक रही है, तेरे बाप को पता चलेगा ना नया फसाद शुरू हो जाएगा। चल मेरा बच्चा चल, छोड़ दे इस दफा। आइंदा अगर उसने तुझसे बदतमीजी की ना तो देखना मैं ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेगा, पूरा हिसाब तेरा चुकता कर दूंगी। मेरा फोन रख। चल मेरा बच्चा आ, आ, थोड़ी रोटी खा ले। मुझे नहीं खाना कोई खाना वाला। पता नहीं सारी मुसीबतें हमारे लिए क्यों हैं। आपा जी ने किसी का बुरा सोचा, हमने फिर भी। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। अस्सलाम वालेकुम आशर भाई। वालेकुम अस्सलाम। चुटकी ये पकड़, इसके अंदर सब्जियां हैं, इसमें अंडे हैं, तेल है और चाय के लिए दूध भी है। जल्दी से जाके गर्मा गर्म चाय बनाओ। चलो और एक सेकंड, ये आपा जी के सर दर्द की गोलियां हैं, पानी लेकर आऊंगा आपको दवाई दूं। जा। आपको कैसे पता चला आपा जी के सर में दर्द है? अल्लाह मियां ने बताया था, ऐसे पता चल गया। क्या वाकई? आपा जी क्या हो गया इसके सेंस ऑफ ह्यूमर को? मजाक कर रहा हूँ यार, मैं थोड़ी देर पहले आया था, तुम आपा जी से कह रही थी ना कि उनके सर में दर्द है, चाय के लिए दूध नहीं है, बस मैंने सुन लिया और फौरन वापस चला गया और ये चीजें लेकर आ गया। जा अब जल्दी से पानी लेकर आओ। शुक्र है पता चल गया। हाँ वरना तुमने तो मुझे बताना भी नहीं था, है ना। जाओ पानी लेकर आओ, और पानी गर्म हो थोड़ा सा, ठंडा ना लगा। जी आपा जी। आपा जी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो हॉस्पिटल ले चलो। अरे नहीं नहीं बेटा, ठीक हो जाएगी ना अभी थोड़ी देर में। आप बिल्कुल परेशान ना, इस महीने तो तनख्वाह खत्म हो गई लेकिन अगले महीने से मैं आपको डबल करके दूंगा, प्रॉमिस। जीते रहो बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसी बातें करती हैं पापा जी, क्यों जरूरत नहीं है? बस जो कहा करूँ ना मैं मान जाया करें, उसे बहस ना किया करें। ये ले दवाई खाएं। हाशिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं। पागलों वाली बातें मत किया कर, शुक्रिया की क्या बात है, अपने पापा जी का बेटा हूँ, खास वाला है ना। जीते रहो जीते रहो। तू मेरी छुटकी है, छोटी सी बहन, आइंदा शुक्रिया मत कहना, बहनों का बहुत हक होता है भाइयों पे। अच्छा अगली दो गोलियां आप तब खाइएगा अगर सर में दर्द बाकी रहे तो। अच्छा। और खुदा ना खास्ता फिर भी तबीयत ठीक ना होता मुझे प्लीज बता दीजिएगा, मैं आपको ले चलूंगा डॉक्टर के पास। बता दूंगी बेटा बता दूंगी। चाय कौन देगा? ओ सॉरी सॉरी मैं भूल गई। बहुत खुश हो जाती है तुम्हारे आने से बेटा। मुझे पता है।
जिंदगी में पहली बार तुम्हारे मशवरों पर अमल किया है और खूब बेइज्जती करवा रही हूं मैं। अम्मी दफा करें बेइज्जती को, आपको पैसे तो मिल गए ना, और फिर महीने भर का टैक्स भी खत्म। हाँ ये तो है। अरे अम्मी आप आम खाएं, गुठलियों को गिन के क्या करना है। और वो जो तुम्हारे अब्बा बाहर नाराज होकर लेट गए, बाहर सोफे पर सोए हुए हैं, कब तक नाराज रहेंगे, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। आपका मसला तो हल हो गया है ना। हाँ पैसे संभाल के रख लिए ना। हाँ संभाल लिए, और कल जाकर शम्मा के घर भी दे आऊंगी। वैसे शम्मा चाची भी ना दिली दिन में बहुत खुश होंगी, आप दुआएं दें मुझे दुआएं। हाशिर तुमने मुझसे शादी करनी है कि नहीं करनी। अब ये क्या बेतुका सवाल किया तुम, जो इतने अरसे से हम रोमांस कर रहे हैं क्या टाइम पास है सिर्फ। मुझे तो कभी कभी लगता है तुम्हें अपने और मेरे रिश्ते की नजाकत का ही नहीं पता। अगर पता होता तो इस तरीके से मिसबिहेव थोड़ी करते बुरहान के साथ, वो भी उसके दोस्तों के सामने। अरे यार कोई मिसबिहेव नहीं किया मैंने उसके साथ, सिर्फ ये कहा था कि एग्जाम्स हो रहे हैं घर जाके पढ़ लो, इसमें क्या बुरी बात है, बड़ा शान में फर्क आ गया ना उनकी। तो बस यही कहा था तुमने, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। अरे यार कुछ नहीं कहा मैंने इसके अलावा, उसने कुछ कहा तुमसे क्या। नहीं यार उसने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा। नहीं कोई बात तो है, वरना तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो। नाराज नहीं हो रही, वैसे ही बता रही हूँ कि तुम्हें जो भी बात करनी थी साइड पे ले जाके कर लेते, दोस्तों के सामने तो ना एम्बैरेस करते उसे। दोस्त एक नंबर के आवारा लड़के हैं उसके दोस्त, बर्दाती है कहीं के, मैं जानता नहीं हूँ जैसे उनको। बल्कि बिस्मा तुम भी उस पे नजर रखा करो, किसके साथ उठ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हें कुछ पता भी है। ठीक है रख लूंगी नजर। तौबा है वैसे इस कदर बुरा दिन गुजरा है ना मेरा आज का, पहले पूरा तमाशा आपा जी के घर हुआ है, उसके बाद ये बुरहान के मसले। सही कह रही हो, शम्मा चाची ने बहुत गलत बात की है। ये शोशा फसीहा ताई ने पहले छोड़ा था, वो तो बताया नहीं होगा उन्होंने तुम्हें। अच्छा यार मान रहा हूँ दोनों की गलती है, लेकिन आपा जी के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए यार हम लोगों को, वो हमारी बड़ी है, उनसे इस तरह बदतमीजी करने के बजाय हमें तो उनकी खिदमत करनी चाहिए। चलो अब आपा जी के कसीदे शुरू हो जाएंगे यहाँ पर, मेरा ना ऑलरेडी बहुत खराब दिन गुजर रहा है, तो प्लीज इस वक्त मुझे बोर ना करो, मुझे नींद आ रही है मैं सोने जा रही हूँ। पापा जी आपने ये सिलाई मशीन क्यों निकाली है। कुछ नहीं बेटा, रोजी रोटी का बंदोबस्त भी तो करना है ना। लेकिन क्या मतलब, अब आप फिर से लोगों के कपड़े सिलाई करेंगी, आपकी तो नजर भी कमजोर है। बस बेटा अल्लाह हिम्मत और हौसला ना तोड़े, ये उसकी मदद हो तो सब खैर है। वैसे पापा जी कल रात को जब हाशिर भाई आए थे ना, वो दूध और सामान लेकर, मैं तो हैरान ही रह गई थी। मेरा बच्चा मेरा चिंता, अल्लाह के ऊपर भरोसा और तवक्कुल हो ना, तो वो कहता है मैं तुम्हें ऐसी जगह से रिस्क देता हूँ जिसका कभी तुमने सोचा भी नहीं होता। अब्बा जी ये भरोसा और तवक्कुल भी तो इतनी आसानी से पैदा नहीं होता ना। ये सब ईमान की बात है मेरे बच्चे, जितना तुम्हारा ईमान मजबूत होगा ना उतना ही तुम्हारे अंदर तवक्कुल पैदा होगा और दुनिया की सारी फिक्रों से आजाद हो जाओगे। पर अब्बा जी ये ईमान में मजबूती कैसे पैदा होती है। अल्लाह से मोहब्बत करके, जितनी अल्लाह से मोहब्बत करोगे उसके नजदीक रहोगे, उसे अपना सच्चा दोस्त सच्चा हमदर्द और रास्ता समझोगे ना, उतना ही तुम उसके नजदीक होते चले जाओ। पापा जी क्या यही वजह है आपको अल्लाह ताला पर इतना यकीन इतना तवक्कल है, यही वजह है कि आप हर बात में कहती हैं अल्लाह मालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मेरे बेटे बिल्कुल, मुझे इस पूरी दुनिया में ना किसी पे इतना भरोसा है और ना इतना प्यार
जितना मुझे अपने रब से, और उसने भी मुझे कभी मायूस नहीं लौटाया। अरे चलो, ये बातें तो होती रहेंगी, मैं जाती हूँ जरा मोहल्ले में जाके सिलाई के बारे में बताकर आ जाऊँ। तुम अपने पेपर की तैयारी करो। आपा जी, वो सब तो हो जाएगी, लेकिन अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं आज खाने में क्या पकाना है। अरे जो दिल चाहे बना लो, कुछ भी हल्का फुल्का, मगर अपने पेपर की तैयारी को नहीं छोड़ना है तुम्हें, ठीक है? जी। मशल, अरे वाह मशल, क्या बना रही हो? पूरे घर में खुशबू फैली है। रिशा भी चाइनीज राइस और कबाब बनाए, बहुत दिल चाह रहा था काफी दिनों से। वाह भाई, तुम्हारे हाथ के कबाब के तो क्या ही कहने। आप खाएंगी? आपके लिए लाऊं? लो, ऐसे थोड़ी तारीफ कर रही हूँ, जल्दी से मेरे लिए लेकर आओ। एक काम करो, किसी अच्छे से बर्तन में चावल, कबाब, अचार, सलाद और दही हो ना तो वो भी ले आना। और कोल्ड ड्रिंक होगी तुम्हारे पास? कोल्ड ड्रिंक तो नहीं है। खाली बोतल होगी? एक मिनट में देखती हूँ। ये है। ये तो बहुत गंदी है, एक काम करो इसको धोकर इसमें पानी भर के ले आओ। ठीक है, अब आएगा मजा, जल्दी करना, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है जी। इनको क्या हुआ? शमा, अरे शमा कहाँ हूँ भाई? क्या हो गया है, फिर कोई फतूर डालने आ गई हो?